नमस्कार, सिटी न्यूज 100 में आपका स्वागत है। मैं शालिनी पांडे। अभी हमने आपको कुछ देर पहले एक वीडियो दिखाई थी जिसके अंदर कोर्ट के 12 सेक्टर के अंदर जो ये कोर्ट का पूरा परिसर है, यहाँ पर वकीलों और पुलिस वालों के बीच में हंगामा हो रहा था। हंगामा जो हो रहा था वो एक वकील के साथ हुई बदतमीजी का था। उनके चैम्बर के अंदर कुछ पुलिस प्रशासन के लोग आते हैं और जो उनके क्लाइंट होते हैं उनको उठा के ले जाते हैं, और जो पुलिस प्रशासन के लोग जिस गाड़ी में आते हैं उसको लेकर जो यहाँ पर वकील, तमाम वकील आप देख रहे हैं खड़े हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि ऐसी तीन गाड़ी आई थी, तीन गाड़ियां, तीन गाड़ियां जो कि बिना नंबर प्लेट की आई थी। देखिए आगे आप यहाँ पे मेरे सामने देख रहे हैं, गाड़ी खड़ी है, इसमें आगे कोई नंबर प्लेट नहीं है। देखिए कोई नंबर प्लेट नहीं है। इसको लेकर जो वकील है सवाल उठा रहे हैं। हाँ जी सर, क्या कहेंगे? मैडम सबसे पहली बात तो यह है, ना तो इस पर कोई नंबर प्लेट है, ठीक है, और पूरी गाड़ी जेड ब्लैक है, और कहीं पर भी ये नहीं पता चल रहा कि पुलिस की गाड़ी है। ना तो कहीं पर पुलिस लिखा है, आप पूरी गाड़ी देख ले, ना तो कहीं पर पुलिस लिखा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये पुलिस की गाड़ी है या सीआई की गाड़ी, किसकी गाड़ी है? ऐसे तो कोई भी कांड करके इस तरीके का चला जाएगा। रौली कोर्ट में हुआ था, वहाँ गोलियां चली थी, ऐसी गाड़ी में आए थे, ना उस पर नंबर प्लेट थी ना कुछ थी, ऐसी ये गाड़ी आई है यहाँ पे कोर्ट परिसर में आई है। ये गाड़ी कोई वैसे नहीं है, किसी रोड पे खड़ी है। यहाँ पे भी कोई कांड हो सकता है, यहाँ पे भी गोलियां चल सकती हैं, कोई आदमी मर सकता है, ठीक है, कौन जवाबदेह होगा इसका? तीन चीजें हैं मैडम, मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो इन्होंने हमारे चैम्बर से हमारे क्लाइंटों को उठाया, दूसरा हमारे वाइस प्रेसिडेंट साथ बदतमीजी करी, वो लोग आए हमारे मुलजिमों को पहले हमें वापस करें, हमारे वाइस प्रेसिडेंट और हमारी जो बार है जितने भी हमारे साथियां प्रोटेस्ट कर रहे हैं सबसे आगे माफी मांगे, उसके बाद जो हमारी बार हमें आदेश करेगी उसकी पालना की जाएगी। सबसे पहले वो ये काम करें, ये सेकेंडरी चीज है, ये तो है ही, हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ तो ये कर ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि वो लोग आए और हमारी प्रधान जी से और हमारी बार से माफी मांगे। जो ये पूरा हुआ था उसका समय क्या था, किस समय की ये पूरी घटना है? घटना है करीब 2:45 बजे के करीब की घटना है ये, जो हमारे अमित सेन वकील साहब हैं, सीनियर वकील साहब हैं, उनके चैम्बर में क्लाइंट बैठे थे, और जो ये जो इन्होंने सुबह से ही फील्डिंग बनाई हुई थी कि आज इस क्लाइंट को अरेस्ट करना है वकील साहब के चैम्बर से, क्योंकि ये सुबह 10 बजे के करीब आए हुए थे और सिविल ड्रेस में थे, ये वकील साहब के चैम्बर के आसपास घूम रहे थे, सिविल ड्रेस में थे। अच्छा। यही नहीं पता चल रहा था कि सीआईए वाले हैं, पुलिस वाले हैं, कौन है, तो इस तरीके से किसी वकील साहब ने देखा भी ना, उन वकील साहब को पता चला भाई होगा कोई आम आदमी होगा जो इस तरह, वैसे वकील साहब को पता तो लग रहा था कि मतलब ये बंदे चैम्बर के आसपास घूम रहे हैं, पर ये इन्होंने देखा कि अब तो वकील साहब के चैम्बर से जा नहीं रहे, तो अदबद के वकील साहब के चैम्बर से अंदर जाके अरेस्ट करके लेके आए उनको, जो उनके साथ थे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कंवर दीपू सिंह रावत हैं। उन्होंने पूछा कि भाई कौन हो, क्यों ले जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं सीआईए सेक्टर 17 से हूँ और इसको लेके जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रधान हूँ, तो उन्होंने पुलिस वाले ने ये बदतमीजी की कि तेरे जैसे प्रधान बहुत देखे। देखिए आपको बता दें कि ये जो गाड़ी है इसको लेकर जो यहाँ पर तमाम वकील हैं इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि एक तो हमारी सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है, बिना नंबर प्लेट की ऐसी तीन गाड़ियां आती हैं और सिविल ड्रेस के अंदर लोग आते हैं, और जो वाइस प्रेसिडेंट का जो चैम्बर है उसमें घुस जाते हैं, और जो क्लाइंट्स हैं उनके जो वकील है उनके साथ तो बदतमीजी की ही जाती है, साथ में क्लाइंट को भी बिना पूछे उठा के ले जाते हैं, और साथ में इन लोगों का कहना है कि जो पुलिस प्रशासन या जो भी लोग थे वो आए यहाँ पर माफी मांगी क्योंकि इनके वाइस प्रेसिडेंट के साथ बदतमीजी हुई है, जो वकीलों के अधिकार है, वकीलों के काफी बेकार गलत चीज की गई है। देखिए ऐसी तीन गाड़ियां हैं, एक ये गाड़ी है। हेलो, देखिए आप देखिए चारों तरफ जो वकील हैं यहाँ पर जो ये गाड़ियों को लेकर ये जो वकील हैं वो सवाल उठा रहे हैं, साथ ही में ये देखिए चारों तरफ आप यहाँ देखिए वकीलों का जमावड़ा एक तरीके से लगा हुआ है। क्या एसीपी साहब आ गए हैं? अच्छा एक मिनट साइड होना। अच्छा प्रधान किधर से? इधर से आओ, हटना जरा, एक मिनट साइड हो जाइए थोड़ा। सर एक्सक्यूज मी सर, थोड़ी सी साइड सॉल्यूशन निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं? हम अगर बैठे हो तुम दो, एक घंटा हो गया आपको यहाँ बैठे बैठे।
सर क्या अभी सर कुछ मसले का हल निकला है यहाँ पर? क्वेश्चन समझ लिया ना? प्लीज प्लीज, मैं ये कह रही हूँ अभी जो आप वकील लोग हैं सभी लोग यहाँ पर एकत्रित है, क्या आपकी परेशानी का हल अभी तक निकल पाया है? नहीं, कुछ आश्वासन आपको मिला है? आश्वासन ही मिला है, और जिनसे आश्वासन मिला है वो अफसर यहाँ पे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जिनको बुलाना था वो भी नहीं आए हैं, और जो हमारे चीफ साहब ने कही है वो अभी तक कोई कम्प्लाई नहीं हुई है। सर एक बार जवाब दीजिए। देखिए पुलिस जो है वो भी कुछ भी कहने से साफ पीछे हट रही है, कुछ भी नहीं बता रही है। और क्योंकि देखिए हमने सवाल पूछने की कोशिश की, क्योंकि जो वकील आप चारों तरफ देख रहे हैं तमाम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो पुलिस वाले हैं वो कुछ भी कहने को तैयार। हाँ जी सर, प्लीज एक मिनट बंद कर लो, एक मिनट बंद। सर लाइव जा रहा है, लाइव जा रहा है। देखिए आपको सर जी देखिए अभी हमारे साथ यहाँ पर जो वकील थे 12 सेक्टर के अंदर कोर्ट परिसर के अंदर सारे वकील मौजूद थे। अभी देखते हैं कि इस मैटर में और भी जो भी अपडेट्स होंगे आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी न्यूज 100। मैं साथी मनोज के साथ शालिनी पांडे।